भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भला कौन नहीं जानता। इनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है और यह भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रह चुके हैं। 15 अक्टूबर 1931 को भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में रामेश्वरम के छोटे से गाँव धनुषकोड़ी में जन्मे APJ अब्दुल कलाम हम सभी के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। दोस्तों, साल 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले इन महान व्यक्ति का साल 2015 में शिलांग में दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत्यु हो गई थी। भारत में इंजीनियरिंग के क्षेत्र के साथ प्रोफेसर और राष्ट्रपति के पद रहने वाले अब्दुल कलाम जी के बारे में आज हम जानेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन, परिचय, शिक्षा, करियर, पुरस्कार, नेटवर्क, किताबें, सभी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। फुल वीडियो तक बने रहें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित धनुकेड़ी गांव के एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन, इनकी माता का नाम असीम्बा था। यह एक गरीब परिवार से थे। इनके पिताजी नावों को किराया देने और बेचने का कार्य करते थे। पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, किंतु इनके पिता अब्दुल कलाम और इन अन्य बच्चों की अच्छी शिक्षा प्रदान कराना चाहते थे। माता पिता के अतिरिक्त इनके कुल 4 भाई बहन थे। अब्दुल कलाम अपने सभी भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। पारिवारिक की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी छोटी सी आयु में ही परिवार की जिम्मेदारी बखूबी समझा और अपने पिता की आर्थिक सहायता के लिए मात्र 10 वर्ष की आयु में घर घर अखबार बेचने का काम शुरू किया। अब्दुल कलाम अपने स्कूल में सामान्य विद्यार्थी थे, जिनकी रुचि मुख्य रूप से गणित और भौतिक विज्ञान में थी। अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सचवाड़ हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम तमिलनाडु से पूरी की थी। इस स्कूल में अब्दुल जी ने अपनी 10वीं पढ़ाई पूरी की थी। अपने स्कूल के दिनों में अब्दुल कलाम जी अयादुरे सोलोमन से काफ़ी प्रभावित हुए, जो कि इनके शिक्षक थे। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने साल 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में फिजिक्स भौतिक ज्ञान विषय में BSc की डिग्री हासिल की थी। अब्दुल कलाम जी का कैरियर। अब्दुल कलाम जी को अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद 2 विकल्प मिले थे। पहला विकल्प था रक्षा मंत्रालय और दूसरा था वायुसेना। अब्दुल जी वायुसेना में अपना कैरियर बनाना चाहते थे। इसके लिए कलाम जी इंटरव्यू देने देहरादून आए थे। वायुसेना में 8 सीट थी जिसके लिए इंटरव्यू हुआ था, लेकिन कलाम जी का 9वां रैंक था, जिसके कारण उनका वायुसेना में सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिसके बाद कलाम जी ने अपने कैरियर की शुरुआत कुछ अलग तरीके से की। अब्दुल कलाम जी ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल करने के बाद 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हुए। साल 1969 में अब्दुल जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए। यहाँ वह परियोजन निदेशक थे। 1982 में DRDO में एक फिर से शामिल हुए, जहां उन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण के लिए योजना बनाई। उन्होंने इन्हीं कारण से भारत का मिसाइल मैन उपनाम से भी जाना जाता है। सन 1992 से लेकर 1997 तक अब्दुल कलाम जी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 1999 से 2001 में इन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ साथ सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर काम किया। 1998 में उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण में अपनी भूमिका निभाई और देश के परमाणु शक्ति के रूप में मजबूती प्रदान की। इस साल 1998 में उनके द्वारा एक योजना पेश की गई, जिससे प्रौद्योगिकी वजन
2020 के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने भारत को आने वाले 20 वर्षों में विकसित करने के लिए एक रोड मैप का वर्णन किया। 20 जुलाई 2002 में कलाम जी ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और इस पद पर वह 2007 तक रहे। आइए अब जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के उपलब्धियां एवं पुरस्कार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में सभी आयु वर्ग धर्म जाति के व्यक्तियों को प्रेरित किया। इनके द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कार और उपलब्धियां अनेक हैं। साल 1981 में इन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न और इसी वर्ष 1997 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1998 में भारत सरकार द्वारा वीर सावरकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2000 में अल्वारेज शोध संस्थान चेन्नई द्वारा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि। 2008 में नैनयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर द्वारा डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग से सम्मानित किया गया। वर्ष 2009 में वेन कॉम विंग अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा सम्मानित किया गया था। 2009 में ऑकलैंड विश्वविद्यालय द्वारा मानव डायरेक्टर की उपाधि दी गई। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉ मानद उपाधि से साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया था। साल 2014 में अब्दुल जी को एनीबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम संस्था द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस में सम्मानित किए गए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तकें। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को इन पुस्तकों में शामिल किया जो हर व्यक्ति को जीवन में कभी न हार मानने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कुल 25 पुस्तकें लिखी थी। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल के उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार भी व्यक्त कर रहे थे जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वे वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले गया गया जहां 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उन्हें पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम 3.5 लाख लोग शामिल थे जिनमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल के आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सचिन तेंदुलकर, बहुत से लोग शामिल थे। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह से अनुशासन का पालन करने वाले थे। कलाम श्रीमद् भगवद गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युवाओं के कलाम जी हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस प्रकार आज हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मजीवन के बारे में बताया। आशा करते हैं आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पसंद आई होगी। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और किस भी नेता बायोग्राफी जानना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम ज़रूर आपको उसके बारे में वीडियो बना कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जीवन को हमेशा प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।